में लूटकांड की योजना बना रहे 3 अपराधी गिरफ्तार, 13 मामलों का उद्भेदन। धनबाद पुलिस ने लूटकांड की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस गिरफ्तारी के साथ 13 लूटकांडों का खुलासा किया। इनमें सबसे प्रमुख नाम बोकारो के शातिर अपराधी दानिश का है, जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद के ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की। एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि दानिश पर लूट के 40 मामले पहले से दर्ज है। गिरफ्तार अपराधियों पर दानिश के अलावा रिजवान और भोला कुमार दास भी शामिल है, जो सभी बोकारो जिले के निवासी है। एक मोटरसाइकिल, 3 अवैध देसी कट्टा, 315 बोर का जिंदा राउंड मोटरसाइकिल का अतिरिक्त नंबर प्लेट, 4 मोबाइल फोन। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि इन अपराधियों का मुख्य उद्देश्य राहगीरों से लूटपाट करना था और हाल ही के दिनों में ये तीनों बागमारा अनुमंडल क्षेत्र में सक्रिय थे। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष जांच दल गठित की गई थी, जिसमें बागमारा एसडीपीओ के नेतृत्व में कतरास तेतुलमारी और ईस्ट वसूरिया के थाना प्रभारी शामिल थे। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी कर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही ने इलाके में अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। मंजय कुमार, वीर चीफ, झारखंड। कई लूट की घटनाओं को किन अपराध कर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया, इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बागमारा के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। कई घटनाओं के उद्भेदन के लिए एक एसआई टीम का गठन किया गया, जिसमें की कतरास थाना प्रभारी, ईस्ट वसूरिया थाना प्रभारी, तेतुलवारी थाना प्रभारी, कतरास थाना के विभिन्न पदाधिकारी के साथ कई लोग पिछले कई दिनों से छापामारी में लगे हुए थे। इसी क्रम में 21/10/2024 को एक सूचना प्राप्त हुई कि जो लूट के करने वाले अपराधकर्मी हैं, एक जगह लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसके बाद एक जांच अभियान चलाया गया। जाँच अभियान के क्रम में एक बाइक से कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए, जिनका जब संदिग्ध अपराधकर्मियों की जब सर्च किया गया तो उनके पास से कुछ अवैध हथियार बरामद किए गए। इन अपराधकर्मियों में दानिश और फख्तर, जो कि बोकारो जिले का रहने वाला है, ये गिरफ्तार हुआ। इन्होंने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में जो पिछले कई लूट की घटनाएं हुई थी, जो कि कतरास थाना क्षेत्र में जो लेटेस्ट घटना है वो 6 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें कि एक फ्लिपकार्ट के एजेंट से उसका बाइक तथा कुछ उसका सामान था वो लूट लिया गया था। इसके अलावा जो कतरास थाना क्षेत्र में कई और भी घटनाएं हुई थी, कतरास थाना क्षेत्र में 5 घटना, जोगता थाना क्षेत्र में 2 घटना, ईस्ट वसूरिया में 1 घटना, इसके अलावा बोकारो जिले में भी अन्य लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इनके अपराध स्वीकारोक्ति बयान पे के आधार पर जो सामान रिकवर किया गया, तथा कुछ अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि बोकारो जिले के 3 अपराधकर्मियों की अभी तक टोटल गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक दानिश बीटीपीएस थाने का, रिजवान तेनुघाट ओपी का और भोला कुमार दास माराफारी थाना बोकारो, इन 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इन 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद अभी तक के अनुसंधान में 13 कांडों का उद्भेदन हुआ है, जिसमें कि विभिन्न अलग अलग तरह के लोगों से, जिसमें माइक्रो फाइनेंस के रिकवरी एजेंट, व्यापारियों या फिर राहगीरों के साथ इन लोगों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया जाए। अभी इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद कुछ अन्य अपराधी भी जो भागे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द करी जाएगी। अब हथियार की बरामदगी जो हुई है, इसमें आपका 1 देसी कट्टा, 3 देसी कट्टा बरामद हुए तथा इसके साथ 0.315 बोर का जिंदा 3 राउंड बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त की गई बाइक थी, जिसके द्वारा ये लूट की घटना को अंजाम देते थे, वो बाइक भी रिकवर हुई। इसके अलावा जो रिसेंटली फ्लिपकार्ट एजेंट से जो बाइक की लूट की घटना हुई थी, वो बाइक भी हम लोगों द्वारा रिकवर की गई। नगद बहुत ज्यादा नहीं है, नगद 150 रुपए। सर, इस अंतर जिला गिरोह में कितने गैंग में कितने लोग हैं जो केवल बाइक लूट का काम कर रहे हैं? नहीं, इन लोगों का मेनली ये लूट की घटना, जो कि रिकवरी एजेंट पैसे के लिए लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे, बाइक चोर नहीं है ये लोग, लूट पेशेवर क्रिमिनल है। जैसे कि बता दे रहे हैं कि जो इनमें से एक अपराधी है दानिश, इसके खिलाफ 40 से ज्यादा मामले हैं। ये बोकारो जिले का रेड वारंटी था, जो कि पिछले कई सालों से फरार था। इसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है, और जो कि पेशेवर क्रिमिनल है, इसका पेशा ही लूटना है। ठिकाना कहाँ बनाया था? ये ठिकाना बोकारो के बीटीपीएस थाना में ही छुपके रह रहा था। ये कि बहुत अचीवमेंट की बात है कि जो व्यक्ति कई दिनों से फरार था, उसको भी धनबाद पुलिस की टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो गिरफ्तारी उनके ऊपर पूर्व से मामले दर्ज नहीं थे, लेकिन जो ये घटनाएं अभी रिसेंट में हुई, इन केस में उनकी संलिप्तता सामने आई। सर, इन लोगों का जो लूट का केंद्र क्या जिला उसका जो सीमावर्ती क्षेत्र वही है, चाहे धनबाद हो या रामगढ़? इनके मोस्टली जो
इनका लूट का सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो जो कतरास थाना क्षेत्र में जो बताया पांच घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ईस्ट बसूरिया बरौरा में भी इनके द्वारा लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इनके द्वारा बोकारो हजारीबाग रामगढ़ इन सब जिले में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जो कि अभी अनुसंधान के दौरान अन्य जिलों से भी जब सूचना प्राप्त होगी तो और भी कांडों का उद्भेदन होने की संभावना है। दानिश सर कितना पढ़ा लिखा है? दानिश के पढ़े लिखे 10-12 तो वो बहुत ज्यादा बीटेक का छात्र नहीं है। पढ़ा लिखा वो भी अपराधी होता है। झरिया कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए केजी पांडे समेत